नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस दौरान आप सभी का भाग्य स्वयं महाबली हनुमान जी बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल में आपको ऐसा अक्सर लगता था कि हमारे जीवनकाल में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमारी मदद करे, जो हमें हमारी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में हमारा सहयोग करे। दोस्तों, कभी कभार आपने जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा निराश भी हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हुए हैं, लेकिन दोस्तों वश में आपकी सबसे अच्छा गुण यह था कि आपने हर परिस्थिति में ईश्वर को याद किया है, हनुमान जी को याद किया है। और दोस्तों, हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ अपने द्वार से नहीं भेजते। जी दोस्तों, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो दोस्तों हनुमान जी उनका प्रेरणा आपको जरूर दिए हैं। दोस्तों, भले ही आपको वश में बुरा लगा हो, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जीवनकाल की यह आपकी सबसे बड़ी सीख होगी कि जो भी कार्य आपके जीवनकाल में हो रही है उन्हें आप स्वीकार करें, सच्चे दिल से स्वीकार करें कि दोस्तों महाबली हनुमान जी वह चीज़ अगर आपको दे रहा है तो वह कोई छोटी सी वस्तु नहीं, बल्कि आपके जीवनकाल के लिए बहुत ही बड़ा विशाल चीज़ है। परंतु आपको उन्हें समझना होगा, ध्यान से उन्हें जानना होगा। जी दोस्तों, और आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके जीवनकाल में महाबली हनुमान जी कुछ ऐसे परिस्थिति का निर्माण करने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। परंतु आपको सभी बातों को गौर से सुनने होंगे। इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने वाले हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ध्यान सुनेगा। अगर आप इन्हें सुन लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यश में आपका जीवन बदलने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता और महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल पर सदैव रहेगा। जय दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि अगले 3 दिनों में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से और ग्रहों की जो स्थिति होगी, जो उनका प्रभाव होगा आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंत में हनुमान जी के एक बहुत ही खास उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल के कष्ट को दूर कर देंगे। तो दोस्तों सभी बातें अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिख दें। महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, घर में बदलाव अथवा नवीकरण संबंधी कार्यों की रूपरेखा बनेगी। नई गाड़ी खरीदने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, पुरानी गलतियों से सीख लेकर आप अपनी कार्य प्रणाली में बेहतरीन परिवर्तन लाएंगे। बीमा, निवेश तथा जमीन जायदाद जैसी गतिविधियों में यश में व्यस्तता बनी रहेगी। साथ ही दोस्तों दोपहर के बाद का कुछ समय जो है असमंजस की स्थिति रहेगी। यश में आपको धैर्य रखना अति आवश्यक होगा। व्यर्थ के कामों में समय नष्ट ना करें। दोस्तों, मन में कुछ अनहोनी जैसी आशंका उत्पन्न होने से कार्यों में शिथिलता की भी निर्माण हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम में प्रगति लाने के लिए आपको एकाग्रता के साथ अपनी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाना होगा। जिन बातों के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है उन बातों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश काम की गति धीमी कर सकती है। दोस्तों, आपको मिल रहे मौके का फायदा उठाकर आप आगे बढ़ते रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी तथा आप एक बेहतर जो है मेजबान साबित होंगे। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। अपने व्यक्तित्व के निखारने के लिए आप जो है जिम, योगा, डाइटिंग आदि में भी सुधार करेंगे। यश में इनकी योजना आप बना सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको वे कार्य भी करना पड़ सकते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं। दोस्तों यश में आपको थोड़ा सा लोगों से बचकर रहना होगा। वे दोस्तों आपकी भावनाओं का जो है गलत फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, भूमि संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए ये जो समय है उचित समय नहीं होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, महत्वपूर्ण बात किसी को बताते समय व्यक्ति की आपके प्रति निष्ठा का परखना आपके लिए जरूरी होगा। भावुकता होकर दोस्तों यश में कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, इनसे आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों यश में दिल और दिमाग में संतुलन बनाकर ही रखें और आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको उस पर विचार करना चाहिए और यह निवेश जो है दोस्तों आपके लिए उत्तम साबित होगा। आप अपनी चतुराई व फिर सूझबूझ से कार्यों को व्यवस्थित रूप से निपटाने में भी यश में सक्षम रहेंगे।
मित्रों व फिर सहयोगियों से भी आशातीत सहयोग भी आपको मिलेगा। दोस्तों यश में हर परिस्थिति में खुश रहना आप सीखेंगे। संतान पक्ष से राहत की आशा प्राप्त होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। किसी रिश्तेदार संबंधी सुखद समाचार मिलने से आपका मन यश में प्रसन्न रहेगा। दोस्तों अपने व्यवहार को सीमित रखें, अन्यथा किसी मुसीबत में भी आप पड़ सकते हैं। दोस्तों यश में कोई निर्णय गलत भी हो सकता है, जिसकी वजह से नकारात्मक परिणाम भुगतने भी पड़ेंगे, इसलिए दोस्तों इनसे सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, सेहत ठीक ना होने की वजह से इसका असर आपकी नींद पर हो सकता है। दोस्तों मन पर बढ़ता तनाव डरावने सपने दिखा सकता है। दोस्तों आपको दिखे सपनों का कोई भी आप अर्थ ना निकालें, क्योंकि यह किसी भी तरह का संकेत नहीं है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों माता पिता की प्रेरणा तथा सहयोग आपको आगे बढ़ने में यश में मदद करेगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष में किसी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों घर में किसी अतिथि आने की संभावना है, जिससे घर का वातावरण यश में सुखद रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय किसी नजदीकी के साथ छोटी सी बात को लेकर तनाव भी रह सकता है। आपकी कोई महत्वपूर्ण बात यह समय उजागर हो सकती है, इसलिए दोस्तों हर एक कार्य में सावधानी से या फिर सोच समझकर कार्य करें, यह बेहतर होंगे। खर्चों की अधिकता यश में रह सकती है, जैसे किसी से पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों मित्र या फिर करीबी रिश्तेदार के साथ हुए मतभेदों को दूर करने के लिए ये जो समय है योग्य समय रहेगा। दोस्तों परिवार में किसी की शादी जल्दी तय हो सकती है। प्रिय व्यक्ति के सेहत संबंधी चिंता आपको कम करेगी। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए, आपके करियर को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश में कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा अपने विरोधियों पर आप जो है हावी रहेंगे। कामकाज में कर्ज की स्थिति ना आने दें। बेहतर होगा कि जैसा चल रहा है उसी पर संतोष रखें। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर काम का दबदबा यश में रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों नौकरी तथा व्यवसाय में नई नई संभावनाएं सामने आएंगी तथा सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलने में आत्मसंतुष्टि अनुभव होगी। दोस्तों यश में व्यवसाय संबंधी लोन लेते समय अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में यश में कोई खास सफलता नहीं मिलेगी, परंतु दोस्तों आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। यश में कर्मचारियों तथा सहयोगियों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, आप पर कोई झूठा सा आरोप भी यश में लग सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम संबंधी कठिनाइयां यश में आपके दूर होंगे, तो दोस्तों काम के प्रति अपना लगाव यश में आप बनाए रखें। इसके उपरांत दोस्तों रोजगार संबंधी कार्यों में स्थिरता रहेगी तथा उत्तम लाभ की स्थिति भी यश में बनी रहेगी। दोस्तों जमीन जायदाद से संबंधित व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील होने की भी संभावना बन रही है। आर्थिक संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती है, परंतु दोस्तों आप अपने मनोबल के जरिए किसी भी चुनौती से निपटने में भी यश में सक्षम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों घर में उचित सामंजस्य बना रहेगा। विवाद तथा व्यर्थ की कहासुनी से यश में बचें। घर में मेहमानों की आगमन भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यश में घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपना जो है करियर चौपट यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ सामाजिक गतिविधियों तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं महाबली हनुमान जी के एक बहुत ही खास उपाय के बारे में। जी दोस्तों इन उपायों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों आप लाल गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। दोस्तों इस उपाय को करने से मंगल से संबंधित जो भी आपके जुनकाल में दोष है वह दूर होंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। जुनकाल में आपको जो भी लाभ के मौके दिख नहीं रहे हैं दोस्तों सभी दिखेंगे। तो दोस्तों इन उपायों को यश में आप जरूर ही ध्यान से कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।